Hi guys, so today I am going to give you three precautions which you must take before going to attempt a mock. The very first thing, do not go with a preconceived notion. Yes, generally हम करते हैं decide कि हम आज legal attempt करेंगे क्योंकि मेरी legal strong है. कोई सोचता है मैं CR नहीं attempt करूँ क्योंकि मेरी CR weak है. इस हिसाब से पेपर में ये preconceived notions लेके ना जाएं, because you don't know कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में डिफिकल्ट आएगा, कौन सा इजी आएगा. सारे थोड़े थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कौन सा पूरा अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं. सेकंड इज, डू नॉट गेट अफ्रेड इफ यू गेट वन सेक्शन डिफिकल्ट. राइट, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एक सेक्शन डिफिकल्ट आता है, एक सेक्शन उनका खराब हो जाता है, उस चक्कर में दे टेंड टू स्पॉइल द एंटायर मॉक एफर्ट. राइट, जब पहला सेक्शन आपने उठाया वो बुरा निकल गया, बहुत डिफिकल्ट निकल गया, तो लास्ट के चार सेक्शंस पे उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है जो कि नहीं होना चाहिए. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू हैव टू ट्राई एंड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी सेक्शन. कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सोचो कि पहले से सोच के जाओ या बाद में सोचो कि मैं नहीं अटेम्प्ट करने वाला हूं. इफ यू आर नॉट going to attempt each and every section, you are already out of race. बहुत सारे students सोचते हैं QT attempt नहीं करेंगे, CR attempt नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है. You have to attempt every section. हो सकता है एक दो passages आप उन sections में से छोड़ दो, but yes, you have to attempt each and every section. That's it. Thank you.